रोजी बेटा। जी मम्मी। बेटा आ जाओ लंच कर लो। ओके, बट मम्मी मुझे ना म्यूजियम घूमने जाना है, प्लीज ले चलो ना। ओ सॉरी रोजी बेटा, आपकी किंग डैडी भी बिजी है और आज मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो हम आज नहीं जा सकते, हम कल चलें। बट मुझे आज ही जाना है। तो मम्मी मैं बख्शी गार्डन कल के साथ जाऊँ, वैसे भी मैं उनके साथ हमेशा जाती हूँ, तो मैं उनको ले चलूँ म्यूजियम। ओके बेट, मैं बख्शे को बुलाती हूँ। ओके बुला लो उन्हें। बाय मॉम, मैं जा रही हूँ। ओके बख्शे संभाल के लेके जाना रोजी को, अच्छे से ध्यान देना उसका, तुम्हारी जिम्मेदारी है रोजी अभी। यस योर मैजेस्टी। और रोजी लिसन, तुम्हें अपने कीमती नेकलेस का ध्यान देना होगा, ये बहुत ज्यादा महंगा नेकलेस है। बख्शे और तुम भी इसके नेकलेस का ध्यान देना। ओके गो नाउ, टेक केयर। मम्मी बाय बाय, चलो अंकल। ओ वाओ, ये कितना अच्छा म्यूजियम है। यस प्रिंसेस रोजी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओह, इतने प्यारे प्यारे स्टैचूज एंड पेंटिंग्स है यहाँ पे। बख्शी अंकल, ये गार्डन देखो कितना अच्छा है। यस प्रिंसेस रोजी, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो। वेट, आपका नेकलेस कहाँ है प्रिंसेस रोजी? मेरा नेकलेस? मेरा नेकलेस कहाँ गया? कुछ टाइम पहले तो मेरे गले में ही था। रुको प्रिंसेस रोजी, मैं ढूंढ के आता हूँ, आप यहीं पे रहना, रो मत आप। मम्मी बहुत चिल्लाएगी अभी, मुझे मारेंगी मम्मी मुझे, उन्होंने कहा था कि ये नेकलेस मत पहन के जा। अरे प्रिंसेस रोजी कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढता हूँ ना नेकलेस। मैं अभी आया। बख्शी अंकल, मिला नेकलेस? मैंने सब जगह ढूंढ लिया प्रिंसेस रोजी पर नहीं मिला। अब हमें पहले जाके क्वीन को बताना ही होगा। क्या नेकलेस गुम गया? ऐसे कैसे नेकलेस गुम गया? ये बख्शे ने ही चोरी करी होगी नेकलेस की। अरे नहीं योर मैजेस्टी, मैंने चोरी नहीं करी है, मैं क्यों करूंगा चोरी, मैं चोर नहीं हूँ। तुम नहीं की है? नहीं मम्मा, नहीं, बख्शी अंकल ने चोरी नहीं करी है, वो खुद ही गुम गया। तुम चुप रहो। गार्ड्स, ये बख्शे को पकड़ो और इसका एक हाथ काट दो, यही इसकी सजा है, और उसके बाद इसे इस पैलेस के बाहर फेंक दो। प्लीज योर मैजेस्टी, मैंने चोरी नहीं करी क्वीन, प्लीज मुझे छोड़ दो। और उससे पहले प्रिंसेस रोजी को यहाँ से लेके जाओ। कम ऑन गार्ड्स, छोड़ो मुझे। मेरा हाथ मत काटो। रहो इधर। अंकल आप कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये देखो मैं कौन हूँ। क्या बख्शी अंकल? हाँ मैं। आप? पर आपने मुझे किडनैप क्यों किया? बदला लेने के लिए। अब तुम्हारे मम्मी डैडी को भी पता चलेगा कि अपनी चीज खोने का क्या दर्द होता है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहोगी। ये पूरी भीख मांगने वाली बस्ती है, अब तुम इस बस्ती में रहोगी और तुम भी भीख मांगोगी सब बच्चों की तरह। हाँ हाँ, बिला वजह मेरे पे हार चोरी करने का इल्जाम लगा था ना, अब तुम भुगतोगी उस इल्जाम को। अब मैं तुम्हें एक दवाई पिलाऊंगा जिससे तुम्हारी 5 साल की पिछली याददाश्त सब चली जाएगी, और जब तक तुम्हारी याददाश्त आएगी तब तक तुम बहुत बड़ी हो चुकी होगी और सब कुछ भूल चुकी होगी। हाँ, से तुम एक नई जिंदगी जियोगी। अब एक प्रिंसेस से एक भिखारी बन चुकी हो तुम। पियो चुपचाप। अब इस क्राउन का कोई मतलब नहीं है। उठ गई मेरी बच्ची। मेरा सर, ये मैं कहाँ हूँ? अरे ये तुम्हारा घर है। आप कौन है? अरे मैं तुम्हारा डैडी हूँ, अक्षय पापा, और ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा नाम मल्लो है। पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरा सर बहुत दुख रहा है अभी। तुम ज्यादा सोचो मत, बस आराम करो अभी। ओके। ओए मल्लो। अरे तू आ गई? हाँ, चलना नहीं है क्या? भीख मांगने बहुत देर हो गई है। हाँ बस थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़े से बर्तन बचे, मैं वो धोती हूँ फिर चलती हूँ तेरे साथ। अच्छा जल्दी कर। हाँ बख्शे पापा, मैं अभी सुखी के साथ भीख मांगने जा रही हूँ। अच्छा जाओ, और ज्यादा पैसे लाना। हाँ चल चलते। ओ सुखी, तुझे कितने पैसे मिले आज? यार आज तो मुझे बहुत कम पैसे मिले। मुझे तो देख कितने सारे पैसे मिले, और आज तो मुझे नोट भी मिले हैं, आज तो बहुत कमाई होगी। अच्छा बस अब ज्यादा कुछ मत, और जल्दी चल, कहीं बस ना छूट जाए। हाँ चल, पापा भी इंतजार कर रहे होंगे पैसों का। चलो सारा काम हो गया घर का, अभी अभी मैं जरा सोने जाती हूँ, सुबह जल्दी भी जाना है भीख मांगने। प्रिंसेस रोजी कम ऑन, कम फास्ट। हाँ मम्मी आ रही हूँ, मैं बस थोड़ी सी देर और खेल लूँ अपने डैडी के साथ। ये सब क्या था? वो बच्ची तो मेरे जैसी लग रही थी, और वो लोग कौन थे? ये कैसा सपना था? छोड़ो सपना ही है सिर्फ, बिला वजह मैं इतना सोच रही हूँ इसके बारे में। अरे सुबह के 7 बज गए, मुझे जल्दी काम करके भीख मांगने जाना होगा। रोजी रोजी। यस मम्मी। ये क्या था? कोई रोजी रोजी बुला रहा था मुझे, ये सब क्या दिख रहा है मुझे? मल्लो जल्दी आ रही हूँ, रुक जल्दी जाती हूँ, बहुत लेट हो गया आज। अंकल। हाँ? अंकल थोड़े पैसे दो ना। अच्छा ये लो बेटा।
अरे बेटा एक सेकंड सुनो, क्या तुम्हारा नाम रोजी है? हाँ रोजी नहीं, मेरा नाम तो मल्लो है, पर हाँ ये नाम मुझे थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। एक सेकंड, वो क्या है तुम्हारे नेक पे? अरे ये तो वही मार्क है। हाँ ये तो मुझे बचपन से है। यही सेम मार्क तो रोजी को भी था। रोजी एक प्रिंसेस थी जो बहुत सालों पहले गुम चुकी है। वो किंग क्वीन की बेटी थी और अभी भी किंग क्वीन उन्हें ढूंढ रहे हैं। तुम दिखती भी प्रिंसेस रोजी की तरह ही हो। अंकल आप मुझे पागल मत बनाओ, मैं वो भी प्रिंसेस और रोजी, मैं कोई रोजी वोजी नहीं हूँ, मैं मल्लो हूँ। अच्छा जैसे तुम्हें सही लगे, बट ये मेरा कार्ड है, अगर कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। वैसे तो ये मेरे कुछ काम का नहीं है, फिर भी रख लेती हूँ आप इतना कह रहे हो तो। चलती हूँ अभी, मैं जरा सोने चली जाती हूँ, आज थक भी बहुत गई मैं। रोजी बेटा तुम हमारी इकलौती बच्ची हो, वी रियली लव यू रोजी। पापा क्या हुआ बेटा? पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ सपने आते रहते हैं, कोई मुझे रोजी पुकारता रहता है और दो लोग हैं किंग क्वीन जैसे, वो मुझे बच्चा बच्चा बोलते रहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या रोजी? अरे नहीं ऐसा सब कुछ नहीं है, बस सपने हैं, तुम इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। मैं तुम्हें एक गोली खाने को दे दूंगा, उससे तुम ठीक हो जाओगी। तुम ये सब भूल जाओ बेटा, दवाई खाओगी ना सब ठीक हो जाएगा। क्या वो दवाई से ठीक हो जाऊंगी मैं? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें दवाई वो कल ही दे दूंगा। चलो तुम भी सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। मैं जरा किचन से पानी पी के आती हूँ। हाँ हेलो, मैं बख्शे बोल रहा हूँ। अरे वो तुमने जो मुझे दवा दी थी ना कई साल पहले याददाश्त बुलाने की, मुझे वो दवा वापस से चाहिए, क्योंकि वो दवा का असर खत्म हो रहा है और वो लड़की की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ क्या ये सब जो मैंने सुना क्या वो सब सही था? इसका मतलब मेरे सपने भी सही थे और वो अंकल भी सब सही कह रहे थे। हाँ वो अंकल ने मुझे अपना कार्ड दिया था, उसमें नंबर होगा, मैं वो कार्ड ढूंढती हूँ और कॉल लगाती हूँ। मैंने यही कहीं पे रखा था। हाँ मिल गया ये, मैं इस नंबर पे कॉल लगाती हूँ। मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मुझे कैसे भी बख्शे का फोन चलाना होगा। हाँ हेलो अंकल, मैं वो मल्लो बोल रही हूँ। हाँ वही रोजी, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ प्लीज जल्दी आइए। अरे रोजी बेटा रो मत, देखा मैंने कहा था ना कि तुम एक प्रिंसेस हो। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी हम एक काम करते हैं, पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, फिर अब आपके मम्मी डैडी के यहाँ जाएंगे। हाँ चलिए। अरे हमारी बच्ची मिल गई, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी रोजी ठीक तो हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। थैंक्स अ लॉट पुलिस, आपने हमारी बच्ची मिलवा दी। अरे थैंक्स मुझे नहीं, इस आदमी को कहो, इसी के बदौलत आज रोजी तुम्हारे पास है। थैंक्स अ लॉट, और हम तुम्हें एक बेहतरीन तोहफा देंगे। प्रिंसेस रोजी ये लो, ये आपका फेवरेट टेडी। ओह मेरा टेडी। प्रिंसेस रोजी अब हमारे किंगडम में वापस आ चुकी है। If you like the video then please subscribe to Purple Rosie.